एक वक्त था कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल या तो बच्चे करते थे या प्रोफेशनल्स करते थे, मार्केटर्स करते थे, ब्लॉगर्स और ब्लॉगर्स करते थे, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट के बहुत सारे अदारे और ऑफिशियल्स इसका बड़ा मुस्बत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें पंजाब पुलिस की मिसाल भी आपको देखने में मिलेगी। इनकी कारकर्दगी भी पिछले कुछ अरसे में ऐसा देखने में आया कि किसी शख्स ने कोई गैर कानूनी वीडियो या कोई ऐसा असलहा चर्स या शराब के साथ वीडियो अपलोड की, फौरन इन्वेस्टिगेट किया गया, उस बंदे तक पहुंचा गया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और उसके बाद दोनों तरफ ऑफिशियल्स उसके साथ खड़े हुए और तस्वीर बना के सोशल मीडिया की जीनत बना दी गई और इस चीज को बड़ा मुस्बत तरीके से रिपोर्ट किया गया कि पुलिस की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत जबरदस्त है और किसी भी क्राइम को रोकने के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए और उन कल्प्रट्स तक पहुंचने के लिए बड़ा एक्टिवली पुलिस काम कर रही है। उसके अलावा आप मीडिया मैनेजमेंट सेल की भी इनकी रिपोर्ट देखें तो वहां पर आपको सब अच्छा सब हरा नजर आएगा। सियालकोट में बंदे पे फायरिंग हुई, हमने उन्हें पकड़ लिया। महकमा सेहत के मुलाजिम के कत्ल को हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया। मरी की शाहराहों पे स्याह फंसे हुए हैं तो पुलिस गाड़ियों को धक्के लगा रही है, उस चीज को रिपोर्ट किया जा रहा है। उसके अलावा और भी ऐसी कई चीजें, कुछ अच्छी चीजें सामने आती रहती हैं, आती रहनी भी चाहिए। इनके इश्यूज को भी हम एक्सप्लोर करते हैं। इसी चैनल पे मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की जिसमें मैंने फ्रंट डेस्क के स्टाफ के जो मसले मसाइल हैं, जो पुलिस में भर्तियों के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं, उनको हाईलाइट किया। और दूसरे ऐसे कई लोग अप्रिशिएट करते हैं, करना चाहते भी हैं, जो दूसरी कुछ अगर शॉर्टकमिंग्स होती हैं उन गुजारिशात को भी सामने लाते रहते हैं। लेकिन मसला ये है कि आपके बारे में पब्लिक परसेप्शन चेंज होने में क्यों नहीं आ रही। अगर ये सब कुछ इतना अच्छा है तो पब्लिक परसेप्शन ये क्यों है कि किसी के साथ कोई कत्ल, डकैती या कोई और वारदात, कुछ और ऐसा मिसहैप हो जाता है तो उसे पता होता है कि मेरा मोबाइल छीन गया है, मेरी बाइक चली गई है, मेरी व्हीकल गाड़ी चली गई है, तो ये मुझे वापस नहीं मिलेगी। आपकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हालिया 5 जनवरी को पंजाब पुलिस की कारकर्दगी को ना होने के बराबर क्यों करार दिया। ये रिमार्क्स एक बेंच ने उस वक्त दिए जब सोफिया बदूल नामी लड़की जो सरगोधा से अगवा हुई और उसकी बाजियाबी उस वक्त तक नहीं हो सकी थी हियरिंग तक, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मौकफ दिया कि आप लोगों की कारकर्दगी जो है ना होने के बराबर है। 300 मजीद इस तरह के केसेस डिस्कस किए गए जिन पर ऑफिशियल्स किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दे सके। अब अगर आप पंजाब पुलिस की अपनी वेबसाइट को देखें, punjabpolice.gov.pk पे, तो आपको नजर आएगा कि साल 2021 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक सिर्फ पंजाब में 6,90,000 के करीब केसेस रजिस्टर हुए, जिसमें मुख्तलिफ केसेस शामिल थे। उन केसेस में 29,000 केसेस तो वैसे ही कैंसिल हो गए, 16-17,000 केसेस जो थे वो अनट्रैक्ड रहे, जबकि आपके जो स्टैट्स आपने पुटअप किए उनके मुताबिक तकरीबन 3,80,000 केसेस जो हैं वो चलान केसेस हैं और 1,83,000 केसेस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मेरा मासूमाना सा बड़ा सिंपल सा सादा सा सवाल ये है कि जो स्टैट्स आपने पुट अप किए हैं उन स्टैट्स को देखा जाए तो रिलीफ लोगों के दरमियान बैठ के गुफ्तगू और बातचीत करते हुए नजर क्यों नहीं आता। पब्लिक परसेप्शन में किसी किस्म की कोई मुस्बत तब्दीली क्यों नहीं आती। लोग ये चीज एडमिट क्यों नहीं करते कि आप लोगों के साथ उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं। ये एक अवामी राय क्यों बन चुकी है बहुत तवील अरसे से, जिसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही कि पुलिस में अगर आपने FIR दर्ज करवानी है, अपना कोई भी मसला, कोई भी परेशानी लेकर आपने पुलिस में जाना है, तो लोगों को पता होता है कि हमें एक जो ट्रैक है, एक जो डिफाइंड ट्रैक है, उससे हटकर हमें कोई ना कोई एफर्ट करनी पड़ेगी, कोई अप्रोच करवानी पड़ेगी, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, रिश्वत देना पड़ेगी। इस चीज के ऊपर कोई काम अभी तक क्यों नहीं किया गया। और एडमिनिस्ट्रेटिव नैरेटिव इस तरह का है कि कुछ पता ही नहीं लगता कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल किस ब्ला का नाम है। क्या क्राइम हो जाने के बाद कल्प्रट्स तक पहुंचना कामयाबी है या आपकी जिम्मेदारी क्राइम होने से रोकना है। कराची क्राइम इंडेक्स के मुताबिक कराची सबसे पहले नंबर पर है और उसके बाद पंजाब में अगर आप देखें तो दूसरे नंबर पर रावलपिंडी है, तीसरे नंबर पर लाहौर है, चौथे नंबर पर इस्लामाबाद है। जो मेन शहर है वो क्राइम इंडेक्स में सबसे ऊपर है। पिछले साल यहां पर तकरीबन 4600 के करीब रेप केसेस और 260 के करीब गैंग रेप केसेस सामने हैं, जिसमें 187 गैंग रेप केसेस सिर्फ पंजाब में, 3600 रेप केसेस जो थे वो सिर्फ पंजाब में रिपोर्ट हुए। कितना अच्छा हो कि आपकी अपनी वेबसाइट पर मौजूद 30,560 वो केसेस जिनमें रोबरी हुई पंजाब में, उसमें से 16-17,000 बाकी जो लोग रह गए उनको भी इंसाफ मिले, आप उनके साथ भी तस्वीर बनाएं और अपलोड करें कि हमने इन लोगों को इंसाफ दिलवाया है। काश के पंजाब में पिछले साल में जो 919 डकैतियां हुई हैं
उसमें बाकी मानदा जो 300-400 लोग हैं जिनको आपने अभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया, उनको भी इंसाफ मिले, उनका भी लूटा हुआ माल वापस आ जाए। वैसे तो ये चीज भी नहीं पता कि जिनको जिन केसेस को चलान केसेस आप कह रहे हैं उनमें लूटा हुआ माल बरामद हुआ है या नहीं हुआ। उसके अलावा जो 6700 केसेस व्हीकल स्नैचिंग से रिलेटेड हैं, उसमें भी जो 3-4 हजार लोग बाकी रह गए हैं आपकी अपनी वेबसाइट के मुताबिक, उन्हें भी इंसाफ मिले। पता ये भी नहीं है कि जितने लोगों को इंसाफ आप दिलवा चुके हैं उनको उनकी मोटरसाइकिल गाड़ी या कोई भी जो चीज उनसे छीनी गई वो वापस मिल गई है या नहीं। पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल को इतना ज्यादा फैसिलिटेट किया गया है कि हर गली में मोहल्ले में चौराहों में कैमरे लगा दिए गए हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी भी बनाई गई इसी मकसद के लिए कि मुसलसल शहर की मॉनिटरिंग की जाए। अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स तो आप लोगों की वेबसाइट्स पर मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नवंबर 2021 में यह चीज बताई गई कि VIP मूवमेंट रोड्स पे आपके सेफ सिटी अथॉरिटी के तकरीबन 33 के करीब कैमरे डिसफंक्शनल हैं। बड़ी मामूली सी और नॉर्मल सी चीज है, लेकिन अगर इसकी इंप्लीकेशन देखी जाए तो पता लगता है कि आने वाले वक्त में क्या किस किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अभी हालिया जो अटैक हुआ है यहाँ पर, एक बम ब्लास्ट हुआ है अनारकली में, उसको भी इसी तरह की लापरवाहियों के साथ नथी किया जा सकता है। तो मसला ये है कि अगर ये सारी कारकर्दगी अगर इतनी ही हद तक रखनी है कि बस ठीक है पेपर वर्क जो है वो मुकम्मल किया जाए, वेबसाइट पे रिकॉर्ड अपडेट कर दिया जाए, और रिकॉर्ड भी इस किस्म का हो कि उसको स्क्रूटनाइज करना लोगों के लिए मुमकिन ही ना हो, या फिर जो लोग हैं जो निशाना बनते हैं उनको रिलीफ मिलता है तो वो लोग क्यों लोगों को नजर नहीं आते, बाहर निकलकर ये क्यों पता नहीं चलता कि हाँ यार इस बंदे के साथ कोई ज्यादती हुई थी और इसको पुलिस ने फैसिलिटेट किया है। तो पब्लिक परसेप्शन चेंज करने का तरीका कुछ और है, और वो तरीका यह है कि वाकईतन काम करना पड़ेगा, हकीकतन डिलीवर करना पड़ेगा। बात सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स को थोड़ा बहुत दाएं बाएं घुमा के मैनिपुलेट करके अपलोड करने से काम नहीं बनेगा।